में मतलब जितना भी पॉइंट है आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या स्वतंत्रता संग्राम वगैरह, वो सभी इसमें आ जाएगा भारतीय इतिहास में। वो एक दृष्टि में यानी कि छोटे छोटे पॉइंट यानी फोर्ट पॉइंट जो कि वनडे एग्जाम में आते रहते हैं, फोर टेट, सी टेट, यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट, पीसीएस प्री एग्जाम एंड यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, वीडियो जोन, असिस्टेंट वगैरह, आरओ, एआरओ, ठीक है। और इस तरह की जो वैकेंसीज आती हैं या वनडे एग्जाम के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम हो तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा वीडियोज यानी कि भारतीय इतिहास, ठीक है। तो भारतीय इतिहास से जो भी छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे, स्टार्टिंग करते हैं वीडियोस को। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा साहित्य किस युग से संबंधित है? वो है आद ऐतिहासिक युग से। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा पॉइंट है, हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम 1826 में जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता तथा प्रथम नगरीय सभ्यता। ये तीनों पॉइंट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? वो है दयाराम साहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगान में स्थित हड़प्पा स्थल है मुंडिक नाक तथा सोहुघई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा रावी नदी के सुमेलित है, लोथन, भोगवा नदी एंड कालीबंगा, घनघर नदी एंड मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से सही सुमेलित पॉइंट है कि पूर्वी सीमा है इसकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी सीमा है सुस्ताक गेंडोर बलूचिस्तान से तथा दक्षिण सीमा थी दायमाबाद महाराष्ट्र से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस प्रजाति के लोग सबसे अधिक थे? वो थे भूमध्य सागरीय। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा लोग भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रचलन का आकार था 4:2:1, ठीक है, 4:2:1 का ईंटों का आकार का प्रचलन था। यह हो सकता है 4 लंबाई हो, 2 चौड़ाई हो, 1 उसकी हाइट हो यानी ऊंचाई हो या मोटाई हो, इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाँ, स्टेडियम तथा साइन बोर्ड का साक्ष्य प्राप्त हुआ राखीगढ़ी में। नेक्स्ट है, डाकयार्ड यानी गोंदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था लोथन में। कौन सा साक्ष्य लोथन में प्राप्त नहीं हुआ? वो था कलश समाधान, जो प्राप्त हुए थे वो थी गोदीवाड़ा, ठीक है, साक्ष्य लोथन में प्राप्त हुए थे गोदीवाड़ा चावल का साक्ष्य तथा युगल समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा साहित्य के लोग परिचित नहीं थे गन्ने से, नहर तथा सिंचाई से, जबकि जिनसे परिचित थे वो थे गेहूँ, जौ, कपास, मटर, सरसों, इनसे परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे जबकि तांबा, टिन और चांदी से परिचित थे। नेक्स्ट है, मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार था चौकोर तथा वर्गाकार, यानी जो मोहर बनाई जाती थी उनका आकार था चौकोर तथा वर्गाकार। नेक्स्ट है, मोहर निर्माण में सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ था सेलखड़ी। नेक्स्ट है, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन प्राप्त हुआ था एक श्रृंगी पशु का। सबसे अधिक मोहरें प्राप्त हुई थी कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी राजस्थान से। नेक्स्ट है, मेसोपोटामियाई शासक सारगोन के लेख में उल्लेखित स्थल नहीं है, वो है जम्बूद्वीप। और जो उस शासक के द्वारा लिखित लेख में स्थल है वह है मेलुहा एंड दिलमुन तथा मगन। नेक्स्ट है, हड़प्पा की लिपि थी चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित विचार नहीं सुमेलित है, वो है प्रशासनिक थिसिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना जाता है द्रविड़ को। नेक्स्ट है, काले रंग की चूड़िया कालीबंगा को कहा गया जबकि मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है मृत सत्तात्मक। नेक्स्ट है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जिसको कहा जाता है उसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया में बैक्ट्रिया में। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे? वो है सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट है, आर्यों के विस्तार में सही सुमेलित नहीं है, वो है आर्यवर्त संपूर्ण भारत में,
ठीक है। तो आर्य जहाँ जहाँ आए थे वो क्षेत्र थे ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का प्रदेश तथा ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना दोआब तथा मध्य प्रदेश में मध्य देश व हिमालय एवं विंध्याचल के बीच का क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट बनता है ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान की नदी नहीं है बितिस्ता यानी कि झेलम, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान की नदी नहीं है, उसका नाम है झेलम, ठीक है। बाकी कुंभा नदी काबुल गोमती या गोमल तथा क्रमु या कुर्र नदी और ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद त्री से संबंधित नहीं है अथर्ववेद, यानी अगर वेद त्री की बात कही जाए तीन वेद, तीन वेद वेद त्री में आते हैं, वे हैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद। वेद त्री में अथर्ववेद नहीं आता है। वेदों को अपौरूपेश माना जाता है क्योंकि इनकी रचना की गई थी देवताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्यों का सर्वाधिक सर्वप्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। भारतीय संगीत का महत्वपूर्ण स्रोत है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग यानी कि वेदांत कहा जाता है उपनिषद को। वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग होता है जिसे वेदांत कहते हैं उसको उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मंडो उपनिषद से सत्यमेव जयते का उल्लेख है एंड कठोप उपनिषद में यम यानी कि नचिकेता संवाद का संवाद दिया हुआ है एंड बृहदारण्य उपनिषद में याजवल्य तथा गार्गी संवाद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दास यज्ञ युद्ध के विषय में सही नहीं है, दास यज्ञ युद्ध के विषय में सही पॉइंट नहीं है, वह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। जो उसमें सही पॉइंट है यह उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। यह युद्ध भारत के भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ का पराजित किया। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। भरत जन के पुरोहित वशिष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राजा के राज्य अभिषेक के समय कौन सा यज्ञ संपन्न किया जाता है, वह है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के राज्य अभिषेक के समय पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं पुरूपमेव की, ठीक है। उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं, पुरूपमेव की। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है चावल नमक और मछली, ये सभी उल्लिखित नहीं है। ऋग्वेद में विदुषी महिला नहीं है, वो है गार्गी। गार्गी में विदुषी महिला नहीं, जबकि लोपामुद्रा घोषा तथा अपाला ऋग्वेद की विदुषी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिला हैं गार्गी मैत्रेयी तथा ग्रहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों आश्रम ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जावालोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, कपास बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक कालीन धातुओं में सही सुमेलित नहीं है यानी कि त्रपु चांदी का सही उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद इंद्र को माना जाता था, ऋग्वैदिक इंद्र को माना जाता है वर्षा का देवता युद्ध का देवता तथा दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेदकालीन सर्वप्रमुख देवता जिसका 250 सूक्तों में उल्लेख है वह है इंद्र, ठीक है। मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता था अग्नि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस देवता को ऋतस्थ गोपा यानी कि नैतिक नियमों का अधिष्ठाता कहा गया था, वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है अतिरंजी खेड़ा में। भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है अतिरंजी खेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है, वो है अंगूठ निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का विधि निर्माता माना जाता है मनु को। याज्ञवल्क्य स्मृति के में भाष्यकार नहीं है गोविंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, एंड महाभारत का संकलन किया था वेदव्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, ठीक है। रामायण की रचना की थी तुलसीदास जी ने, रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने, और रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी ने, जबकि रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने, और रामायण की का तमिल भाषा में अनुवाद किया था कम्बन ने, और रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से संकलन माना जाता है गुप्त काल में, ठीक है। महाभारत का संकलन किया था वेदव्यास ने। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है आयुर्वेद। वेदांतों की संख्या होती है 6। कौन सा पुरुषार्थ त्रिवर्ग में सम्मिलित नहीं है, वो है मोक्ष, ठीक है। तो 3 पुरुषार्थ हैं अगर, तो वह धर्म अर्थ काम, ठीक है, तो त्रिवर्ग में सम्मिलित नहीं है मोक्ष, मोक्ष त्रिवर्ग में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य नहीं था, वो था अवंती, और कौन कौन से गणराज्य थे, वो थे मल्ल लिच्छवी तथा शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, तथा बौद्धकालीन राजधानियों का सही क्रम है कम्बोज, कम्बोज का हटक, गांधार की तक्षशिला, गांधार तक्षशिला एंड वत्स कौशाम्बी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था अश्मक, एंड मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है हर्यक वंश, फिर से सुनार वंश, और उसके बाद है नंद वंश। नेक्स्ट है, वंश का संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिम्बसार, नंद वंश के संस्थापक है महापद्म नंद, तथा शिशु नाग वंश के संस्थापक थे शिशु नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्बसार की पत्नी थी क्षेमा महाकोशला चेलना, क्षेमा महाकोशला तथा चेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला विदेशी आक्रमण किया था, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया ईरानी शासक दारा प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, झेलम तथा बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था, झेलम नदी को बितस्ता भी कहते हैं, वो लड़ा गया था पोरस्त एवं सिकंदर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर शासक किसका था, नंद वंशीय घनानंद का, धनानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का अंतिम संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन इनका वास्तविक संस्थापक थे महावीर को। जैन धर्म के परंपरा अनुसार तीर्थकारों की संख्या है 24, और जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकार यानी कि 23वें तीर्थकार माने जाते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था उपासक। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे महावीर। जैन धर्म को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, सॉरी महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह था ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की प्रथम शिष्य थी चंद्रा, महावीर की मृत्यु हुई पावा में। जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है सम्यक कर्म, जबकि त्रिरत्नों में शामिल है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैन धर्म के उपासक द्वारा शरीर त्याग को कहा जाता था संलेखना, एंड
जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा में तथा गोमतेश्वर प्रतिमा श्रवण बेलगोला में। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म बुद्ध के पिता सुशोधन किस गण के मुखिया थे? वो थे शाक्य गण के मुखिया। नेक्स्ट है, बुद्ध की पत्नी यशोधरा का अन्य नाम था बिंबा गोपा एन भृगकच्छना। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के गृह त्याग के पूर्व भी प्रमुख घटनाएं थी, वो थे वृद्ध रोगी मृतक तथा सन्यासी। सिद्धार्थ के गृह त्याग से पूर्व की प्रमुख घटनाएं थी वृद्ध मिला, रोगी मिला, फिर मृतक मिला और फिर सन्यासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कमाल किस दर्शन से संबंधित थे? वो थे सांख्य दर्शन के। नेक्स्ट है, बुद्ध के निरंजना नदी, बुद्ध को निरंजन नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो था उरुग्विला यानी कि बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में और प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने किस महिला को सर्वप्रथम संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? वो थी प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ एंड अष्टांगिक मार्ग तथा चार आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भावी बोधिसत्व है मैत्रेय। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं प्रतीक से सही सुनिर्मित है। गर्भ में आने का हाथी, महापरिवर्तन स्तूप तथा ज्ञान प्राप्ति बट पीपल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विज्ञानवाद यानी कि योगाचर की स्थापना की थी मैत्रेय ने और वज्रयान संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी थी तारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है, वो है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के मान्य अवतारों की संख्या थी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत यानी कि वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है बेस नगर का गरुण स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शक्ति की प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज द्वारा हेराक्लीस एवं डायनोसिस देवता का संबंध क्रम से है कृष्ण एवं शिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नयनार सैव एवं आलवार यानी वैष्णव संतों की संख्या थी 63 एवं 12, यानी सैव बालों की 63 थी एंड आलवार यानी कि वैष्णव बालों की 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के ने कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से किसे पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोकोटस की पहचान सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगस्थनीज को सेलिकस के दरबार भेजा? नहीं, ये सही नहीं है, मतलब गलत पॉइंट है। एपियानस संधि के विषय में सही है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस निकेटर के बीच हुआ, यानी एपियानस की संधि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस निकेटस के बीच हुई थी। पराजित सेल्युकस ने अपनी पुत्री की चंद्रगुप्त से शादी की थी तथा दहेज में हेरात, कंधार, काबुल तथा मकरान प्रांत दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्युकस को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का मुख्यतः लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा, बहुत आता है क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्युकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? वो था मेगस्थनीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का, अशोक विधिक्त राज्यसेव कब हुआ था? अशोक का विधिवत राज्यसेव राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य, इसका अन्य नाम चाणक्य भी था, ठीक है, अशोक के विषय में कुछ पॉइंट हैं। वो है कलिंग विजय 8वें वर्ष पश्चात की थी, बोधगया की यात्रा की थी 10वें वर्ष पश्चात, तथा लंबनी यात्रा की थी 21वें वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का एकमात्र अभिलेख जिसमें उसकी पत्नी कारुबाकी पुत्र तीवर का उल्लेख है, कौशाम्बी रानी का लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था उपगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। कल्हण ने कहा था, यानी किसने कहा, किसके अनुसार अशोक शिव का उपासक था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की, यानी कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की, ये कहा था कल्हण ने। कल्हण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। कलह ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में 1837 में सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स पर्सियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की राष्ट्रीय भाषा प्रकृति थी, जबकि राष्ट्रीय भाषा प्राकृति थी तथा लिपि थी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भाषाओं ग्रीक तथा अरमेइक का उल्लेख प्राप्त हुआ था सारे कुन्ना में, यानी कंधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस लेख में पशुबलि निषेध का उल्लेख है? वह है पहले अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का दूसरा शिलालेख था मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था, 5वां शिलालेख में 14वें वर्ष धम्म महामंत्रों की नियुक्ति तथा 12वां शिलालेख में सर्वधर्म संभाव का उल्लेख कहा गया है। अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने, अर्थशास्त्र ग्रंथ है राजनीतिक व्यवस्था का, मौर्य प्रशासन था केंद्रीयकृत एवं निरंकुश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीस के अनुसार नगर प्रशासन एवं सैन्य विभाग की संचालन समिति के सदस्यों की संख्या थी 30। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन गुप्तचरों के विषय में सही नहीं है कि सही पॉइंट है जिसमें स्त्रियां गुप्तचर नहीं रहती थी। जो सही पॉइंट है वह अर्थशास्त्र में इसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था, मौर्यकालीन गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता था तथा ये संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे, यानी गुप्तचरों की एक संस्था होती थी, एंड संचारा भ्रमण करते हुए गुप्तचरी करते थे। ये दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्था नाम से और एक संचारा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वर्ग की महिला तथा निम्न वर्ग के पुरुष का विवाह कहलाता था प्रतिलोभ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वर्ग का पुरुष तथा निम्न वर्ग की महिला का विवाह कहलाता था अनुलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मौर्य काल में भड़ोच तथा सोपारा पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह थे, जबकि पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था त्राम्लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी पुण्यमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धम्म ग्रहण किया गया था दीघ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्याय का महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची महास्पूत का निर्माण अशोक ने करवाया था, जबकि भरहुत स्पूत का निर्माण करवाया था पुण्यमित्र सुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सुंग वंश के अंतिम शासक
देवभूमि की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? वसुदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण वंश नहीं था मौर्य, ठीक है, जबकि जो ब्राह्मण वंश के थे वो थे शुंग, कब तथा शातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम पुत्र सातकर्मी के विषय में जो कुछ पॉइंट है वो है, सातवाहन वंश का महानतम शासक था एंड बेंटक स्वामी तथा त्रिसमुद्र तोयपिता वाहन की उपाधि ग्रहण की थी तथा शक शासक नहपान को परास्त कर उसने चांदी सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात वाहनों के विषय में सही नहीं है, वो है इन राज्यों के उत्तरी भारत में स्थित था, जबकि जो सही पॉइंट है सात वाहनों के विषय में सही है, सर्वप्रथम शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया, इनका समाज मात्र सत्तात्मक था तथा राज्य की भाषा प्रकृति पर लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यूची कबीले से संबंधित थे कुषाण, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर यानी कि पेशवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्ध का चरित्र अपने पर अंकित करने वाला प्रथम शासक था कनिष्ठ, और कनिष्ठ द्वारा कश्मीर में आयोजित चौथे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष थे अशुभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्तों ने, किस काल की भारतीय इतिहास का स्वर्णिम माना जाता है गुप्त काल को? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने, ईस्वी 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, लिच्छवी राजकुमारी या कुमार देवी के साथ विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन है? समुद्रगुप्त का। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, स्मिथ ने जिसे भारत का नेपोलियन कहा वो है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का शासक जिसने समुद्रगुप्त से बोधगया संघाराम बनवाने की अनुमति मांगी वो था मेघवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस बाटाटक नरेश से किया था? वो है रुद्रसेन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का समीकरण स्थापित किया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किस चीनी यात्री ने भारत में भ्रमण किया? वह फायान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, और कालिदास ने किस नाटक की रचना की? वे थे महाविकाल लिग्न मित्रम, विक्रमोप श्रियम तथा अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो इन तीनों किस इन्होंने कालिदास ने नाटकों की रचना की थी। नेक्स्ट है, कालिदास की रचना है मेघदूत, कुमार संभव तथा कुमार वो रघुवंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गुप्त शासक को चांदी का सिक्का चलाने का श्रेय दिया जाता है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख साक्षी है भानुगुप्त एवं एरण अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र माना जाता है नालंदा को। गुप्तकालीन कला का प्रमुख केंद्र था मथुरा। गुप्तकालीन कला का सर्वोच्च उदाहरण है मंदिर। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को कहा जाता था दीनार तथा ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन पाँचवें वर्ष कहाँ मोक्ष परिषद का आयोजन करते थे? प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था? वो थे पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि जिसने हर्षचरित की रचना की थी वो था बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण एवं मंडप रैली के मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? वो था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापापी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय।
पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार सही है। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज राजों में इसका उल्लेख किया गया है। परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। इन्हें आबू पर्वत पर वशिष्ठ ने एक यज्ञ से उत्पन्न किया था। तो ये है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज कालेकर द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? वो था परमार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की उपाधि सही है? जैसे माहिर भोज कहा जाता था आदिवाराह को, अनबल्ला सेन गोडेश्वर निशंकर को कहा जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा तथा शैलीकृत मंदिरों का संबंध है हिंदुओं, बौद्ध तथा जैनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर संबंधित है बौद्ध धर्म से? नहीं, खजुराहो का मंदिर संबंधित है हिंदू और जैन धर्म से। नेक्स्ट है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेलों ने। नेक्स्ट है, अंकुरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। आबू पर्वत यानी राजस्थान पर दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम से तात्पर्य है तमिल भाषा के विद्वानों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संगमों का आयोजन किसने करवाया था? पांड्यों ने। नेक्स्ट है, द्वितीय संगम का प्रथम मात्र बचा तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलकापियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन राजवंश नहीं है पल्लव, जो है वो है चोल, चेर तथा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय चोल वंश का संस्थापक था विजयालम, पांड्यों की राजधानी थी मदुरा, ठीक है, या मदुरे भी इसको बोल देते हैं। पश्चिम घाट का बंदरगाह नहीं है पुहार। किस चोल शासक की उपाधि सही है? जैसे राजेंद्र चोल को कहा जाता की उपाधि थी गंगे कोल्ड चोल, एंड कुलोत्तम प्रथम की है सुंगुर्त वर्तिक, तथा आदित्य प्रथम की है कोदर्णीय राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महबूब गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तहकीके हिंद का लेखक अलबरूनी, एंड किताबुल यामिनी के लेखक उत्बी, तथा तारीख़ के सुक्तुवीन का लेखक बेहाक। तो ये सब महबूब गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है। अरबों ने 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दाहिर को परास्त कर सिंध पर अधिकार किया था? वो थे मोहम्मद बिन कासिम। आ भाई मुस्लिम आने लग गए हैं। महमूद गजनबी के विषय में सही पॉइंट है वो है, इसने सन 1000 से 1027 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और जिससे इसे इसका सर्व प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, तथा जाटों को दंड देने के लिए 1027 में अंतिम बार भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये थे महमूद गजनवी के भारत से संबंधित कुछ पॉइंट। महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन की लालसा, एंड मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया था मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी के विषय में सही है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने गोरी को पराजित किया, तथा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंदवरदाई, तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक का अन्य नाम था कुरान खां, लाखवक्स तथा हातिम द्वितीय। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मंदिर इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु लाहौर के चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? वो थी ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसकी याद में ऐबक ने कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? बता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय में पूरा हुआ? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के विषय में कुछ पॉइंट हैं। वह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1229 में बगदाद के खलीफा से सम्मान पत्र प्राप्त किया तथा चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रचलन किया। भारत में मकबरा निर्माण शैली की शुरुआत की तथा दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी और टका एवं तांबे का जीतल चलाया। चांदी का टका चलाया तथा तांबे का जीतल चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 40 गुलाम सरदारों का गुट तुर्का ने चिहलगानी या चालीसा का गठन किया? वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी रजिया। रजिया के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम है ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया तथा बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश द्वारा गठित चारगान या चालीसा को किसने समाप्त किया? वो बलबन ने। बलबन ने किस फारसी परंपरा यानी गैर इस्लामिक परंपरा की शुरुआत की थी? वो थी सिजदाए पायबोश, नौराज उत्सव तथा दरबार को ईरानी परंपरा के अनुसार सजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था बलबन ने। अमीर खुसरो के विषय में कुछ पॉइंट है, इसका जन्म इटावा के पटियाल गांव में हुआ था अमीर खुसरो, एंड हिंदी भी शब्दों के मुहावरों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ईरानी तंबूर एवं भारतीय वीणाज के मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो की रचना थी तुगलकनामा तथा किराना उश सादेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जलालुद्दीन खिलजी के साथ किस वर्ग को नब मुसलमान कहा जाता था? चंगेज खां के नाती उल्लू खां ने नेतृत्व में आए तथा उन मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में ही रहना स्वीकार किया था, उन्हें नब वर्ग मुसलमान कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन ने अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी कड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? कम खर्च में विशाल एवं स्थायी सेना का गठन करना। नेक्स्ट है, मलिक काफूर के विषय में सही पॉइंट है, नुसरत खान ने इस हिंदू हिजड़े को गुजरात विजय के दौरान खरीदा था। 1000 दीनार में खरीदे जाने के कारण 1000 दीनारी भी कहा जाता था, एंड अलाउद्दीन की दक्षिण भारत विजय के का इसने दौरा कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने किसका निर्माण नहीं कराया? वो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसकी किसका करवाया था? अलाई का दरवाज़ा, 1000 स्तंभों वाला महल, एंड सीरी का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? वो था मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन ओलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? वो था, कहा था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आदेश दिया था कि एक वर्ष में लगभग लगान वृद्धि 1/11 से अधिक न की जाए? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसे जाता है? मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल का वह शासक जो हिंदुओं के धार्मिक समारोह में भाग लेता था? मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक की नवीन योजनाओं में शामिल नहीं था धार्मिक संप्रदाय की स्थापना करना। किस सुल्तान ने कृषि की उन्नति के लिए दीवाने आमिर को ही नामक विभाग की स्थापना की तथा किसानों को तकाबी ऋण दिया? वो था मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के विषय में सही पॉइंट है, इसने सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ और सर्वाधिक विद्रोह भी हुए। इसके समय 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की तथा इसके समय 1347 में अलाउद्दीन हसन
बहमन शाह ने बहमनी राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने कल्याणकारी कार्यों में शामिल नहीं था, किसानों के तकाबिक ऋण दिया। ठीक है, मतलब किस वो इसके कल्याणकारी कार्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के जो कार्य किए गए थे कल्याणकारी कार्य वे थे बेरोजगारों को काम देने हेतु रोजगार दफ्तर की स्थापना करना, मुस्लिम गरीबों के कल्याण हेतु खैरात विभाग की स्थापना करना, तथा दासों को देखभाल हेतु दीन ए वंदगान की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 21 अप्रैल 1526 को किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, बाबर को भारत का आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था, बता पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने एंड इब्राहिम के चाचा आलम खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता व्यवस्था का संस्थापक था इल्तुतमिश, एंड गैर मुस्लिम से सैनिक सेवा के बदले लिए जाने वाला कर था जजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि कहलाती थी खालसा, तथा सूफी संतों में मंसूर हलजा से स्वयं को अनहलक मैं ही ईश्वर हूँ घोषित किया था, जबकि बहदत उल वजलू ने आत्मा परमात्मा का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो था इब्न अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी बेसरा से तात्पर्य है इस्लामी सिद्धांतों से न्यायबद्ध रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलादी केरल में, कबीर के रचना बीजक से सम्मिलित नहीं है सगा, जबकि बीजक से सम्मिलित है साखी सबद और रमेनी। निर्गुण भक्ति साधकता से जुड़े प्रथम संत जिन्होंने संत होने के बाद भी ग्रस्त जीवन व्यतीत किया हुए थे कबीर। अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कादिरिया संप्रदाय का संस्थापक था शेख अब्दुल कादिर। नेक्स्ट है, रामानंद के विषय में कुछ पॉइंट हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने का श्रेय है। सर्वप्रथम इन्होंने ही स्त्रियों को अपना शिष्य बनाया, एंड इनके शिष्यों में कबीर जो जुल्हा था, रैबाश वो चमार था, तथा धन्ना जाट था आदि, तथा सेना आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म पश्चिम पंजाब के तलवंडी जो उनकी जो इस समय पाकिस्तान के ननकाना साहब में है में हुआ था 1469 ईस्वी में। ठीक है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे रामानुज। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य के विषय में कुछ पॉइंट है, वो है कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे एवं कृष्ण देव राय का संरक्षण प्राप्त था, एंड इनका जन्म बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में सही पॉइंट है, इनका जन्म बंगाल में नदियों में हुआ, और जन्म बंगाल में नदियों में हुआ, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किया, एंड गोसाई संघ की स्थापना एवं संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। महाराष्ट्र के संतों का सही क्रम है, पहले ज्ञानेश्वर, उसके बाद नामदेव, फिर तुकाराम तथा रामदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु जिन्होंने दासबोध नामक पुस्तक लिखी हुए थे रामदास। माधवाचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है द्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वारा शुद्धाद्वैत, एंड निम्बाचार्य द्वारा द्वैत्राद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू, एंड किसने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी, अहमद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन द्वारा रचित किस ग्रंथ को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, वो है राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किसकी याद में की थी, मोहम्मद तुगलक की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ख्वाजा जहां मलिक उस अर्श के सरकी वंश की स्थापना कहां पर की थी? जौनपुर ने, जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के आदिल शाही वंश की स्थापना किस थी? यूसुफ आदिल शाह ने। और बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण कराया था मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गोलकुंडा के विषय में कुछ पॉइंट है, यानी कि कुली कुतुब शाह ने यहाँ कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी एंड मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी, ने हैदराबाद की स्थापना की थी तथा हैदराबाद की स्थापना कर यहाँ पर चार मीनार का निर्माण कराया था। गोलकुंडा के विषय में सही पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इतालवी यात्री निकोलो कांटी के समय भारत आया था देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजवंशों का सही क्रम है संगम, शालुप, तुलुप तथा अरविंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विजयनगर के तुलुबु वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय के विषय में सही पॉइंट है, इसके समय फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, आठ तेलुगु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय की कृति है जाम्बत कलियम जो संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय की उपाधि नहीं थी भुजबल भोज, जबकि जो उपाधि थी वो है आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? हम्पी से मिलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के विषय में सही है, वो थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसमें बाबर ने भारत को पहली बार तुगलका युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और इस समय उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के तोपची थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने सिकंदर लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को दफनाया गया था काबुल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी? वो तुर्की भाषा में। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुआ था कि शेख खां द्वारा पराजित होने के बाद हुमायूं गंगा नदी में कूद गया था, यानी उसमें सही पॉइंट है। भिस्ती निषाद सक्का द्वारा अपनी जान बचाने के बदले हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बनाया था एंड विजयी शेर खां ने बादशाह को उपाधि प्रदान की थी। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 के विषय में कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु सीरियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां के विषय में सही नहीं है, आगरा की स्थापना की वो सही नहीं है। शेर खां के विषय में सही पॉइंट है कि बचपन का नाम फरीद था, चांदी का रुपया था, तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया था एंड ग्रांड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड सड़क के आजम का निर्माण कराया था। एक शेर को मारने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी, किसने दी थी? बहार खां लोहाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का घोतक है प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा स्थित है शाहराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूर्य के समय किसने पद्मावत की रचना की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की पुत्री जिसने हुमायूं नामा लिखा उसका नाम था गुलबदन बेगम। 5 नवंबर 1556 को लड़े गए किस युद्ध में बाबर ने के सेनापति अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू को पराजित किया था? द पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था बैरम खान, जबकि शैजी मान सिंह हकीम हुकाम आदि उसके नवरत्न में शामिल थे। नवरत्न में अकबर का सबसे अधिक प्रिय था बीरबल। भारत अकबर ने सर्वप्रथम किसकी विजय की थी? वो थी मालवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1572 में विजय की स्मृति में अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर रखा, वह गुजरात।
अकबर की अंतिम विजय जिसकी स्मृति फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था असीरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की समकालीन महिला शासिका थी रानी दुर्गावती गोंडवाना से तथा चांदबी बी अहमदनगर से। 1576 का वह युद्ध जिसने मानसिक एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने यानी कि जो फतेहपुर सीकरी में स्थापना की थी, इसका उद्देश्य था धार्मिक वाद विवाद हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही के विषय में सही नहीं है, इसमें दीक्षित होने का दिन शुक्रवार था। नेक्स्ट मतलब इसका जो सही पॉइंट है, इसका प्रवर्तक अकबर ने 1582 में किया था। इसे स्वीकार करने वाले बीरबल एकमात्र हिंदू थे, इसके प्रधान पुरोहित अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विवाह हेतु लड़के एवं लड़कियों की आयु निर्धारित की थी 16 वर्ष एवं 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघे जमीन दान दी थी, वो थे रामदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महजर नामक दस्तावेज कब जारी किए थे, 1579 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अभिषेक के अवसर पर किसने 12 राजा आज्ञा जारी की थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम किस विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी खुर्रम को, वह अहमदनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नूरजहां के बारे में कुछ सही पॉइंट है, यानी कि नूरजहां यानी कि इसका जो पूरा नाम था मेहरुनिशा, ठीक है, मेहरुनिशा, यह फारस निवासी ग्यास बेग की पुत्री थी, ठीक है। जहांगीर ने उसे सर्वप्रथम नौरोज उत्सव के समय देखा और उससे विवाह कर लिया। इसने गुलाब के इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा लाहौर स्थित सहाद्रा में है, वह है जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की किस पत्नी से शाहजहां का जन्म हुआ था, वो था जोधा बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां से किस सिख गुरु का संघर्ष हुआ है, हरगोविंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र जाट राज्य भरतपुर की स्थापना किससे मिलती है, चूड़ामल से। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर या शाही दरवेश कहा जाता है, औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबर यानी अकबर नामा की रचना की थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अकबर के समय 1580 ईस्वी में आईने दहशाला प्रणाली किसने लागू की थी, टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में राजस्व एवं वित्तीय मामलों का प्रबंध देखता था दीवान। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का था मोहर, मुगल कालीन में सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता संसब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधु हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां किस दल के नेता थे, वो थे हिंदुस्तानी गुट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसके नेतृत्व में शाही चित्रशाला की स्थापना की थी, अब्दुल इस्मत के, अब्दुल इस मद के। नेक्स्ट है, अकबर के समय का चित्रकार नहीं है मंसूर, जबकि अकबर के समय के चित्रकार हैं दसवंत वशावन एवं सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल शासकों का सही क्रम है बहादुर शाह, जहादर शाह एंड फरुख सियार तथा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा स्थित ताजमहल के विषय में सही पॉइंट है, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, मुख्य स्थापत्यकार अहमद लाहौरी एवं मुख्य मिस्त्री
ईशा खां था। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। जो आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है, वो तो आता है, बस शाहजहां ने करवाया, परंतु तो उसका मुख्य स्थापत्यकार यानी कि जिसने उसका डिज़ाइन वगैरह बनाया था वो कौन था, अहमद लाहौरी तथा मुख्य मिस्त्री कौन था, ठीक है, कारीगर कौन था, वो था ईशा खां। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जामों में आया करता है, क्योंकि ढूंढे हाथ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, वह आगरा की जामा मस्जिद तथा जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था वो थे लाल किला दिल्ली, दिल्ली की जामा मस्जिद एवं नहरे प्रतिष्ठा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र रूप स्वतंत्र हुए राज्यों का सही क्रम है, वह बंगाल मुर्सिल कुली खां को दिया गया था, जाट राज्य चूरामल एंड कर्नाटक दिया था सादुल्ला खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। हाँ, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह आदित्य जफर के विषय में सही पॉइंट है, जाफर उपनाम से शायरी लिखा करता था। 1857 के विद्रोह में इसे भारत का सम्राट घोषित किया गया था एवं निर्वासित कर रंगून भेजा गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, किसने सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, गुरु नानक को। नेक्स्ट है, जिसने गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी वह गुरु अंगद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पाँचवें गुरु अर्जुन ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, यानी आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की रचना की तथा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आने का सही क्रम है, फिर पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, ये सब आ गए। किसने भारत की खोज की, वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पहुंचकर उसका स्वागत किया गया था, कालीकट के शासक चमोरिन के द्वारा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली कंपनी के विषय में सही क्रम है, सही है, पहली फैक्ट्री थी 1503 में कोचीन में स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिसो डी अल्मेडा था एंड भारत में तंबाकू एवं आलू की खेती शुरू कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच लोग कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड के। डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वजह से भारत के सूती वस्त्रों का निर्यात बहुत बढ़ गया था, पुर्तगालियों की वजह से। डच लोग किसका निर्यात करते थे, मसाला, सूती वस्त्र, नील एवं सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में जहांगीर से कब मिला, 1616 में। अजमेर में जहांगीर से कब मिला, अरे कौन मिला, नहीं सॉरी, अजमेर जहांगीर को कब मिला, 1616 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 1661 में इंग्लैंड के किस सम्राट का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगाजा से होने पर बम्बई दहेज में प्राप्त हुआ था, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के एक मंत्री कोलबर्ट द्वारा किसके समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, लुई 14वें के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन शक्तियों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी एवं मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य जून 1665 में हुए पुरंदर की संधि स्थापित की गई थी, क्योंकि उसके विषय में सही पॉइंट क्या है, शिवाजी को अपने 2/3 किलो मुगलों को देने पड़े थे तथा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब दिया गया था तथा बीजापुर अभियान के समय शिवाजी को मुगलों की सहायता करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने जून 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक किया था, श्री गंगा भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना के विषय में सही पॉइंट है, नियमित घुड़सवार सेना
थी, अनियमित घुड़सवार सेना भी थी एंड पैदल सेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बालाजी बाजीराव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 के बीच 1761 के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। मराठी तोपखानों का नेतृत्व इब्राहिम खां गार्दी के द्वारा हुआ। मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के तहत पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी? वह बसीन की संधि। ठीक है, किसे जाट जाति का अफलातून कहा जाता है? जाट जाति का अफलातून कहा जाता है सूरजमल को, यानी कि सूरजमल को जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के समय 1722 में अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की थी सादत खान ने। अवध का अंतिम शासक था बाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के बीच क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी पुरस्कार में दी थी। बंगाल के किस का शासक को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक को कर्नल क्लाइव का गिरड़ कहा जाता है? मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई संधि का सही पॉइंट है, अमृतसर की संधि 1809 में हुई, लाहौर की संधि 1846 में हुई, भोरेवाल की संधि हुई है 1846 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं, किसने कहा था? विलियम बैंकिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ? वह है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल निर्माण के विषय में सही पॉइंट है, वो है लाभ की गारंटी सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश हुआ और प्रथम रेल लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई। ठीक है, देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक कच्चा माल लाना तथा ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को आंतरिक भागों तक पहुँचाना, यानी रेल निर्माण का ये मेन उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के निकासी का सिद्धांत का विस्तृत वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी व्यवस्था यानी कि स्थायी बंदोबस्त को 1793 में बंगाल में शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थायी बंदोबस्त में जमादारी लगान का कितना हिस्सा दिया जाता था? 10/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी व्यवस्था को जोनाथन डंकन ने कहाँ लागू किया था? बनारस में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक माना जाता है मुंडो एवं रिजिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवद गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? विलियम बिल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट ने कंपनी को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहा था? 1813 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस, इंडियन मुसलमान के लेखक हैं विलियम हंटर, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुड डिस्पैच 1854, हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 एंड सेंट्रल आयोग 1917, ये सभी पॉइंट सही हैं। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिश के अनुसार प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1998 में शायद ये पॉइंट कन्फ्यूज हो रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र उदयंड मार्तंड का प्रकाशन जुगल किशोर के द्वारा कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 के विद्रोह की शुरुआत की गई थी मेरठ से। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष तथा सुशील कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी के किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन, नवजीवन एवं नवजीवन तथा किसका नहीं किया था? लीडर का नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राममोहन राय को माना जाता था, जिन्होंने मितार उल अखबार एंड संवाद कौमुदी तथा ब्रह्मा निकल मैगजीन का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुल प्रेस एक्ट के विषय में पॉइंट है, यह 1878 को लॉर्ड लिटिन द्वारा लगाया गया था, 1882 को लॉर्ड लिटिन ने इसे रद्द भी कर दिया था। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अमृत बाजार पत्रिका का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया था, यानी हिंदी से उसको अंग्रेजी भाषा में तब्दील कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलाहाबाद 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से संबंधित है लियाकत अली, कानपुर के नाना साहब एवं लखनऊ से बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के नेता मुगल सम्राट बहादुर शाह थे, लेकिन वास्तविक रूप से विद्रोह लड़ा था बख्श खान ने। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का कथन सही पॉइंट है, राष्ट्रीय विद्रोह था, सैनिक विद्रोह भी था एंड तथाकथित यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम नहीं राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्र था ये कहा था मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने कथानक आनंद मठ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? वो था कोल विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह का उल्लेख आता है नील दर्पण एक नाटक है। नील विद्रोह का उल्लेख नील दर्पण एक नाटक में दीन बंधु मित्र ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रतापगढ़ के अवध किसान सभा 1920 का गठन किया था बाबा रामचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदार पासी एवं सहरेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वह एका आंदोलन का। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का गठन किया था एएन जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में गठित एटक के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1900 तक पहुंच गए, चलो 1947 तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने फाटबर ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, और कांग्रेस समाजवादी दल 1934 के विषय में पॉइंट है, सुभाष यह जयप्रकाश नारायण नरेंद्र देव तथा मीनू मशानी ने गठित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, राजा राममोहन राय की समाधि स्थित है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, और किस राजा राममोहन राय के प्रयासों से बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? किसने स्वयं को कृष्ण का अवतार माना था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज को किसने लोकप्रिय बनाया था? केशव चंद्र सेन ने। प्रार्थना समाज का गठन किया था आत्माराम पांडुगर, महादेव गोविंद रानाडे तथा चंदावरन ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में सही पॉइंट है, स्वामी श्रद्धानंद के गुरु थे। ये गलत पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सत्यात्म प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी तथा धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदू को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए शुद्धि आयोग चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 में की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल
ने 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। इन्होंने अपनी पुस्तक बंदे दरगाह में सर्वप्रथम इंकलाब का प्रयोग किया तथा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की बंबई में स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में नियम नंबर 17 द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, विलियम बैंकिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर लॉर्ड केनिन ने विधवा विवाह की अनुमति दी थी, ईश्वरचंद विद्यासागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था, 1843 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डी के कर्वे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में दादा भाई नरोसी द्वारा लंदन में की गई थी। दादा भाई नरोसी के द्वारा लंदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा 1879 में किस संस्था की स्थापना की थी, वो था इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है कार्नवालिस को। नेक्स्ट है, आईसीएस में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है, ए ओ ह्वामिम, यानी कि ये पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही पॉइंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ब्योमचंद्र बनर्जी। दादा भाई नरोज की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम जिसने मद्रास में आयोजित कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता की थी, बद्रुद्दीन ताजबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम यूरोपियन था जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। यह सर्वप्रथम 1896 के रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में संपन्न कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड होती है, ठीक है, 52 सेकंड नहीं, राष्ट्रगान जनगणमन की अवधि 52 सेकंड होती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसको शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग करूं, करजन ने कहा था। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत ओमार सोनार बांग्ला की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में की गई थी सलीमुल्ला ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था बकारुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक ने होम रूल के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था बम्बई, कर्नाटक बरार एवं मध्य प्रांत की तिलक के होम रूल के प्रभाव क्षेत्र में थे जबकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन सरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक माना था। वैलेंटाइन सरोल ने तिलक को अपनी पुस्तक इंडियन अरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक में, तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार निकाला था, वो थे कौन कौन से थे, एक तो न्यू हिंदू तथा न्यू इंडिया, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को लंदन में जाकर ऊधम सिंह ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है,
होम रूल आंदोलन 1916 में एंड रोल एक्ट 1919, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में की थी दादा दामोदर सावरकर ने। ठीक है, बी डी सावरकर भी कहा जाता है, दामोदर सावरकर आया ऑप्शन या बी डी सावरकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है श्री काजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन 1 नवंबर 1913 के विषय में सही पॉइंट है कि इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, गदर 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 आंदोलन जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी, और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल ने एक अपनी पत्रिका चलाई थी गदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सान्याल राम प्रसाद बिश्मिल तथा चंद्रशेखर ने मिलकर HRA 1924 में स्थापना की थी कानपुर में। काकोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड के किस अभियुक्त को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, बताए चंद्रशेखर आजाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन किया था, चंद्रशेखर आजाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह तथा ऐसो आंदोलन प्रारंभ किया था, सबसे पहले चंपारण चला, फिर चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा और असहयोग। चंपारण के बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा तथा असहयोग आंदोलन चलाए गए थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, कांग्रेस में परिवर्तनवादी विचारधारा के नेता थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक तथा चित्तरंजन दास ने, बाल गंगाधर तिलक तथा चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी के विषय में सही पॉइंट है, इसका गठन 1923 में इलाहाबाद में किया गया था, सी आर दास अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू के सचिव थे, पिठोवाल पटेल तथा और को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने के लिए सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में घायल होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खां के विषय में सही पॉइंट है, पश्चिमोत्तर प्रांत के सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, इस आंदोलन में लाल कुर्ती आंदोलन यानी खुदाई खिदमागतगार भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अनुयायी लाल शर्ट पहना करते थे, और इसके कवालियों में इसी समय गांधी को मलंग बाबा कहा जाता है, यानी कि जो कवाली गाई गई थी उनमें गांधी को उन्होंने मलंग बाबा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 वाले की थी सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज आंदोलन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अंबेडकर ने, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 के मध्य होता गांधी और अंबेडकर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने लिया था 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, बेबेल योजना 14 जून 1942, ये तो सही है, एंड लिंग लिथ को प्रस्ताव था 8 अगस्त 1940। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग से प्रथम की थी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्रिप्स योजना मार्च 1942
को किसके उत्तराधित चेक कहा जाता है? गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कुछ पॉइंट हैं। गांधी जी आगा खां पैलेस पूना इस संदर्भ में सही सम्मिलित है, यानी गांधी जी आगा खां पैलेस पूना। राजेंद्र प्रसाद हैं चुने गए थे बांकीपुर जेल पटना में थे, और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल पटना में थे। ठीक है, यानी ये इन इन जेलों में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम भूमिगत रेडियो किसने शुरू किया था? वो था उषा मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम समानांतर सरकार की स्थापना की कहाँ हुई थी? वो थी बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार का गठन किया गया था? तामलुक यानी कि मिदनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की सरकार सर्वाधिक दीर्घजीवी रही? वह सतारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का किसने विरोध किया था? मुस्लिम लीग ने एंड साम्यवादी दल ने तथा अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने विभाजन करो और छोड़ो का नारा कब दिया था? 1943 में। किसने जिन्ना को कायदे आजम यानी महान नेता कहा था? गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम या महान नेता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चितरंजन दास, एंड 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र देने पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से रूस जाने के लिए किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था? वो था आयरलैंड मैसोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन 1942 में किसने किया था? रास बिहारी को बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में 5 जुलाई 1943 को इंडिपेंडेंस लीग तथा आज़ाद हिंद फौज की कमान दी थी? वो दी थी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे के बचाव पक्ष का नेतृत्व किया था भोला भाई देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे में वकील के बचाव पक्ष में शामिल नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि मुकदमे में वकीलों के बचाव पक्ष में शामिल हुए थे जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सपरू तथा कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माउंटबेटन के ने विभाजन के पक्ष में सर्वप्रथम किसे सहमत किया? सरदार पटेल को। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को दी गई, यानी कि जून योजना भी कहा जाता है, 3 जून 1947 को लागू की गई थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हजिंगटन। और कलकत्ता में किसके नेतृत्व में 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? एलिजा इम्पे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत पर व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? जानसोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? विलियम बैंकेट। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किसने रखी थी? कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के द्वारा विधान परिषद सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? वह 1892 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम के में कौन सा उपबंध था? प्रांतों में दैत शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैत शासन का मतलब है विधानसभा तथा विधान परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? वेलेस्ली ने। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकारने वाले राज्य का सही क्रम है, राज्य कौन कौन से थे? हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद अवध के बाद पेशवा। नेक्स्ट है, राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी जॉन लॉरेंस ने। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ पॉइंट है, 1853 में बंबई से थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कराया, 1856 में सर्वप्रथम डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जनगणना 1872
में किसके काल में की गई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जबकि प्रथम दशकीय जनगणना 1881 से लगातार हो रही है प्रत्येक 10 साल पर, और प्रथम जनगणना की बात आती है वो 1872 में हुई थी, और प्रथम दशकीय जनगणना जो 10 साल पर होती है वो 1881 से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था रीडिंग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, एंड स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो काफ़ी हद तक प्रयास किया गया है काफ़ी क्वेश्चन देने का, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ी भी हो गई है, काफ़ी लॉन्ग हो गई है।